हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 7th चैप्टर 3 सिविक्स, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सो हियर लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। इन द वर्स्ट affected areas, villages have been carrying water across great distance. People at the district headquarters, Patalpuram, receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. So on the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? How can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. That afternoon, my mother said not to have any ice drinks from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Shirin. Suddenly stop. The road is blocked due to rally. They have garroted the MLA's residence. Really? Why? Has he done something? They seem more angry about what he hasn't done, and we demand that authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. What a loud voice he has. He must be a leader or something. I saw him on TV too. He is member of opposition. Now who is an MLA? MLA के घर के सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब MLA होता कौन है? So in above section, you have read about some events in Patalpura. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of a MLA and legislative assembly? Do you know what MLA to of your area? Can you identify which party he or she belong to? So members of legislative assembly, जो members होते हैं legislative assembly के, उनको हम कहते हैं MLA. आर इलेक्टेड बाय पीपल, और इनको कौन इलेक्ट करता है? नॉर्मल पीपल। देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म गवर्नमेंट। उसके बाद जब ये इलेक्ट हो जाते हैं तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं। इनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन दिस वे वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट की अपनी अलग एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर एक स्टेट एक डिफरेंट एरिया डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पीपल है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं कि जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, जो उनकी प्रॉब्लम्स सुनेगा और आगे आगे तक आगे लेवल्स तक वो पहुंचाएगा। तो उसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्ट होता है। You would have noticed that people stand for elections in name of different parties. हमने देखा है कि लोग different different people खड़े होते हैं कि हम इस बार election लड़ रहे हैं different parties के लिए। These MLAs therefore belong to different political parties. इसलिए हर एक suppose एक constituency है उसमें कोई और party जीती, दूसरी constituency उसमें कोई और party जीती, तो जो MLAs हैं वो different different parties को belong करते हैं। Now, how do people who are MLAs become ministers or chief minister? अभी जो MLAs हैं वो कैसे minister और chief minister बनते हैं? Now, a political party whose MLA have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in majority. अब suppose हमारा हिमाचल प्रदेश में 68 है, तो 68 का अगर हम half करेंगे तो हमारा 34 बनेगा। तो सपोज किसी पार्टी को 35 वोट्स मिले, 35 उसके एमएलए चूज हुए हैं, जीते हैं किसी हिमाचल प्रदेश में, तो वो कहेंगे कि वो पार्टी मेजोरिटी में है, वो वाली पार्टी मेजोरिटी में है।
सो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज मेजोरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, और जिसको 35 से 35 वोट मिले या उससे ज्यादा मिले उसको हम कहेंगे रूलिंग पार्टी, एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर इन ऑपोजिशन। और बाकी जो दूसरी पार्टी के एमएलएज हैं, अब एमएलए तो चूज हो गए, तो जिनके ज्यादा होंगे वो रूलिंग पार्टी हो जाएंगे, और जिनके कम एमएलएज हैं उनको हम ऑपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने भी हिमाचल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो 2017 का ये रिजल्ट है हमारे सामने। बीजेपी को मिले 44, आईएनसी को मिले 21, कम्युनिस्ट पार्टी को मिले 1, एंड इंडिपेंडेंस हु डज नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी आर 2। सो टोटल हमारा 68 ऐसे डिवाइडेड है। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2017 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकेम एमएलएस कैंडिडेट्स, खड़े हुए और वो जीते। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएस इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली 68 है टोटल नंबर, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34, 34 एमएलएस से ज्यादा, मींस 35 या उससे ज्यादा इतने चाहिए उनको, मोर देन हाफ। अगर 34 है किसी के एमएलए तो हम कहेंगे कि कोई मेजोरिटी में नहीं है, 30 हाफ से एक ज्यादा भी हो तो वो मेजोरिटी में है। द भारतीय जन बीजेपी विद 44 एमएलए हैव द मेजोरिटी, क्योंकि 44 है, 35 34 से ज्यादा है, एंड बिकेम द रूलिंग पार्टी, वो बन गई। ऑल अदर एमएलए बिकेम, और ये बाकी सारे ऑपोजिशन में बैठ गए। इन दिस केस द आईएनसी वाज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी, और सबसे ज्यादा वोट रूलिंग पार्टी के बीजेपी के बाद आईएनसी को मिले, तो ये मेजर ऑपोजिशन बनाएगी सिंस इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द बीजेपी। अमंग द ऑपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो इलेक्ट हुए वो भी ऑपोजिशन में बैठेंगे। नाउ द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर, he or she is appointed by central government to ensure that state government works within the rules and regulations of the constitution. अब head of the state कौन होता है? Governor. और वो कौन elect करते हैं? Central government. वो people elect नहीं करते, वो central government भेजती है, appoint करती है कि कौन करेगा। और वो क्यों भेजती है? कि लोग की देखे कि स्टेट गवर्नमेंट सही से काम कर भी रही है या नहीं, पूरा रूल्स रेगुलेशंस है फॉलो कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं या नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम देयर चीफ मिनिस्टर, और जितने भी एमएलए जीते हैं उनमें से वो अब इलेक्ट करेंगे अपने लीडर को कि हमें इनको अपना लीडर बनाना है। इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर एंड ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और फिर चीफ मिनिस्टर को अपने मिनिस्टर्स को चूज करता है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, एंड आफ्टर द इलेक्शन के बाद गवर्नर, अब हमने देखा कि गवर्नर को कौन चूज कर रहा है, अब गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को। नाउ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अबे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज तो रन करेंगे गवर्नमेंट को, दे हैव सेपरेट ऑफिसेस। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। अब हम एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? जहाँ पे सारे जो एमएलए हैं आइदर दे फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम ऑपोजिशन दे मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। हेंस सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन एज एन एमएलए एंड अदर एज अ मिनिस्टर। तो एमएलए तो मिनिस्टर बनेगा, तो किसी किसी एमएलए के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट ही इज द एमएलए ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, और सेकेंड वो मिनिस्टर भी है। सो वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर। अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, अफरीन सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। The children were excited. After security check, they were taken upstairs. There was a gallery.
From where they could see the large halls below, there were rows and rows of desks. This assembly was going to have a debate on current problem. During this time, MLA can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestion about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps would be taken. अब अफरीन सुजाता और काफी सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल वो गए लेजिस्लेटिव असेंबली में और वहां पे एक डिबेट होनी थी जो भी इश्यूज हैं इश्यूज बताने के लिए या फिर उसके लिए सजेशंस देने के लिए एक डिबेट हो रही थी और जिनको मतलब जिनको लगता है कि ये हम कर सकते हैं या ये इशू है वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन न्यूज चैनल्स और इन पेपर. हाउएवर व्हाटएवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है वो हर एक वो पास होने चाहिए, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब मेंबर्स जो है उसको वो अप्रूव करने चाहिए कि ये डिसीजन सही है, ये हम ले सकते हैं. तो मेंबर को अप्रूव करना जरूरी है जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है. इन डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एटसेट्रा. दे हैव द मेन अथॉरिटी. और डेमोक्रेसी में क्या मेंबर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इम्पोर्टेंट किसी इशू पे, कह सकते हैं कि मनी हम ऐसे नहीं ऐसे स्पेंड कर सकते हैं. नाउ एमएलए वन, इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडगांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वर 15 डेड ड्यू टू डायरिया. आई थिंक इट इज अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी. आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. अब एमएलए वन वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अखंड गांव के वो एमएलए है तो वो कह रहे हैं कि 15 डेथ हो गई 3 वीक्स में डायरिया की वजह से और गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही. गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम चैंपियन है टेक्नोलॉजी के और वो इतनी इजी प्रॉब्लम डायरिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो अपने मिनिस्टर से कह रहे हैं हेल्थ जो हेल्थ देखते हैं चार्ज इन चार्ज ऑफ हेल्थ है कि वो इमीडिएट एक्शन ले. एमएलए टू कह रहे हैं व्हाई माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन. एमएलए टू के कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतनी बुरी कंडीशन में क्यों है. व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ. कि वो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं. I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, इस सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान कर रहे हैं तो हम वो सुनना चाहेंगे. एमएलए थ्री का क्या कह रहे हैं, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपत्ती टू हैज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर शॉर्टेज है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में. वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर. की वुमेन बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रही हैं. हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई. की कितने टैंकर्स हमने सर्विस में लगाए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में. हाउ मेनी वेल्स आर पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन. कितने पॉन्ड्स को हमने क्लीन कैसे कितने पॉन्ड्स को वो क्लीन करवा रही है गवर्नमेंट और डिसइनफेक्ट हो रहे हैं. एमएलए फोर के लिए आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जाजरेटिंग द प्रॉब्लम. द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विस. ओआरएस पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल. एमएलए फोर कह रहे हैं कि ये बस एग्जाजरेट कर रहे हैं, मीन्स बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं चीजों को. और गवर्नमेंट अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर रही है. तो एमएलए फाइव इज सेइंग We have poor, very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor or no medical staff has been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in affected areas? So MLA 5 के कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पुअर फैसिलिटीज है हमारे हॉस्पिटल में.
एक ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे कई सालों से मेडिकल स्टाफ और कोई डॉक्टर ही नहीं है, और एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर एक लीव पे चले गए और अभी तक आए ही नहीं. सो दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी शेमफुल. एमएलए सिक्स इज सेइंग द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन. वी हैव नाउ टेकन अप ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स. एमएलए सिक्स से कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जबरदस्ती के ब्लेम कर रहा है, जबरदस्ती का ब्लेम कर रहा है गवर्नमेंट को, और प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया अगेंस्ट सैनिटेशन, और ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है टुवर्ड्स द क्लियरेंस ऑफ द गार्बेज लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स. नाउ इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट रेड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने डिबेट डिबेट देखी. द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट. सो मेंबर्स क्या डिबेट करें कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है. दिस इज बिकॉज द एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. और ये क्यों है, बिकॉज एमएलएज जो टुगेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनको एक साथ आके काम करना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम. गवर्नमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, और वेरियस मिनिस्टर्स जो कि उनको हेड करते हैं. मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स ही तो हेड करेंगे, लाइक इन चार्ज ऑफ हेल्थ एजुकेशन. द ओवरऑल हेड इज चीफ मिनिस्टर, और उन सबका हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर. मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको हम एग्जीक्यूटिव पार्ट कहते हैं गवर्नमेंट का, विच वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास सिक्स. ऑल द एमएलए हु वर्क टुगेदर इन लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर. और सारे मेंबर्स जो एक साथ आके काम करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबल होते हैं, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर. दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क. एज वी सॉ इन अर्लियर सेक्शन, इट इज फ्रॉम अमंग देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म. अब एमएलए के बीच में ही तो एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है, एक चीफ मिनिस्टर को लीडर वो अपना चूज करते हैं एमएलए ही तो. नाउ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है. नाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड. कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर डिमांड करती है गवर्नमेंट से कि क्या एक्शन ले रही है गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बेटरमेंट. यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट. बाकी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लाइक न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स जो देख रही है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है. इन अ डेमोक्रेसी देर आर वेरियस वेज अप थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन. लेट अस लुक एट वन सच वे. डेमोक्रेसी में बहुत सारे एक वेज हैं, बहुत सारे टाइप हैं जिसमें पीपल एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज. नाउ सून आफ्टर द डिस्कशन इन असेंबली देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर. पीछे ऊपर हमने डिबेट पढ़ी, तो उस डिस्कशन के बाद हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज पेपर वर प्रेजेंट. द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट. द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन. बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे न्यूज पेपर्स, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पेपर्स के लोग और बहुत सारे मिनिस्टर्स और सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पे प्रेजेंट हैं, और द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन. और मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए है. रिपोर्टर्स आस्क मेनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग. रिपोर्टर्स बहुत सारे क्वेश्चन आस्क पूछ रहे हैं कि क्या दीज डिस्कशंस वर देन रिकॉर्डेड रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. और इन डिस्कशंस को एक रिपोर्ट किया जाता है अलग न्यूज़पेपर में. द फॉलोइंग पेज हैज वन सच रिपोर्ट. और ऐसी रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर्स में ताकि लोगों को पता लगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या एक्शन ले रही है गवर्नमेंट. ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट. और अगले वीक चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ दोनों ने डिस्ट्रिक्ट को विजिट करा. दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल्स. या फिर लोगों को विजिट करा जिसके कोई जिसके यहाँ कोई डेथ हो गई,
उसके रिलेटिव की डेथ हो गई, या फिर जिसके मतलब लोग हॉस्पिटल्स में उन फैमिलीज को विजिट करा, द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज, कंपनसेशन दिया गया उनको. द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, की सैनिटेशन की ही नहीं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रेजेंट नहीं है. ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज, की इंक्वायरी होगी कि क्यों अवेलेबल नहीं है सैनिटेशन फैसिलिटीज, एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन. और पब्लिक वर्क से वो रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्टर की वो देखे इन चीजों में. एज यू सॉ नाउ वी रीड दिस, गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड्स फॉर वर्क. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक देर हैड बीन मेनी डेथ इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आर स्टेट. देर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट अ गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन दिस सीरियसली. द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टूडे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हिज गवर्नमेंट हैज आज ऑल द कलेक्टर्स एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स टू टेक अर्जेंट मेजर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक. द चीफ मिनिस्टर हैड ऑल्सो प्रोमिस फंड फॉर दिस वर्क. दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया. वेन अ रिपोर्टर आस्क्ड हिम एज टू व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू सी दैट गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर मंथ्स इज क्विकली कलेक्टेड, द चीफ मिनिस्टर सेड ही वुड लुक इनटू दिस. तो ये बता रहे हैं कि क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, कलेक्टर्स सब की अर्जेंट मेजर्स पे हम काम करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, उसके लिए टैंकर ट्रक्स जाएंगे विलेजेस में, और कि लाइक चीफ मिनिस्टर विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम. नाउ एज यू सॉ अबव द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, कि जो पावर में है लोग जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा. दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट और सो ऑन. इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन को जो हेड कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर देख रहे हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या और हम कर सकते हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए, दिस इज एग्रीकल्चर एंड सो ऑन. दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन. उनको जो लेजिस्लेटिव, हमने ऊपर देखा डिबेट में कि बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे कि इसका क्या होगा ऐसे, तो उनको उसका भी जवाब देना होता है कि अ प्रॉपर एक्शन लेना पड़ता है. एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस. नाउ द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. गवर्नमेंट अलग अलग लॉ ला सकती है फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एंश्योर दैट देर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया. इट मे ऑल्सो एंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज. This act of making laws on certain issues is done in legislative assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in parliament. You will read about the parliament next year. So क्या है ये कि government different different laws बना सकती है, जैसे वो एक हेल्थ वर्कर को अपॉइंट कर सकती है हर एक विलेज में. तो ये जो एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज एंड ऑफ सर्टेन इश्यूज डन इन, ये कहाँ पे होता है? लॉज कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में. हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनते हैं. और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सपोज हेल्थ पे बना कोई लॉ, तो हेल्थ जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर को देखना पड़ेगा कि वो लॉ अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. नहीं हुआ है तो करना पड़ेगा. और इंटायर स्टेट के काम, इंटायर कंट्री के काम बनते हैं लॉज पार्लियामेंट में. तो एंटायर स्टेट के बनते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और पूरी कंट्री के, एंटायर कंट्री के बनते हैं पार्लियामेंट में.
इन अ डेमोक्रेसी इट इज अ नंबर, इट इज अ पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी में पीपल ही इलेक्ट करते हैं अपने एमएलए, एंड दस इट इज पीपल हु हैव मेन अथॉरिटी. द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स. तो हम पहले पढ़ चुके. दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन अबव एग्जाम्पल. Whatever work is done by these departments has to be approved by members of the Legislative Assembly. Now, a wallpaper is an interesting activity through which research can be done on various. So, this is classroom activities. So, our chapter is completed here. If you have any doubt regarding this chapter, please comment below. I'll answer that. So please like the video and share with your friends. Subscribe my channel also. Thank you.